अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ खीमा आलू करी रेसिपी शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1 kg खीमा लिया है, इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हमने 4 tablespoon ऑयल ऐड किया है। अब हम इसमें 5 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे हम 10 मिनट्स तक। 10 मिनट्स फ्राई होने के बाद हम इसमें 3 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, इसे भी हम 5 मिनट्स तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें खीमा ऐड करेंगे, खीमे को भी हम 10-15 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर 1 teaspoon, हल्दी पाउडर 1 teaspoon और नमक 1 teaspoon ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर 4 tablespoon ऐड करेंगे और प्रेशर कुकर का लिड क्लोज कर देंगे और इसे 7-8 विजल होने देंगे। देखिए यहाँ पर खीमा अच्छे से गल गया है, अब हम इसे भून लेंगे। अब टेस्ट भी कर लेंगे हम, अगर इसमें नमक कम है तो ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे, चॉप कोथमीर और मेथी की भाजी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके प्रेशर कुकर का लिड क्लोज कर देंगे और 1 सीटी होने देंगे। देखिए आलू और खीमे की ग्रेवी रेडी हो गई है, इसे हम सर्व करेंगे रोटी के साथ या चावल के साथ। ओके, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।